Hi, good morning to all of you. This is second video of chapter 1st, Resource and Development. Yesterday, we have studied resource and its classification of resources. Now, today we are going to study development of resource. Development of resources. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gifts of nature. As a result, human beings used them indiscriminately, and this has led to the following major problems. देखिए, meaning of this one कि resources हमारी life के लिए बहुत जरूरी हैं और साथ में हमारे living standard को भी maintain रखते हैं. पहले यह माना जाता था कि रिसोर्सेस नेचर से मिला हुआ फ्री गिफ्ट्स है, इसी कारण लोगों ने उसे अपने तरीके से उपयोग करने लगे, जिस कारण से रिसोर्सेस में कमी होने लगी और जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी. तो वो प्रॉब्लम कौन कौन सी थी? तो फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स. फर्स्ट, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्सेस में कमी होना. और ये क्यों होता है? कुछ लोगों द्वारा अपने इंडिविजुअल वांट्स को फुलफिल करने के कारण आज रिसोर्सेस में कमी होने लगी, जो कि किसी दूसरे लोगों को ध्यान में रख के यूज नहीं किया गया था. सेकेंड, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स, मतलब रिसोर्सेस का कुछ लोगों तक ही लिमिटेड होना, जिस कारण से सोसाइटी में रिच और पुअर ये गैप आ जाता है. थर्ड, इनडिस्क्रिमिनेशन इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मीन्स इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लाइटेशन ऑफ रिसोर्स हैज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. यहाँ पर क्या हुआ कि जब फैक्ट्रीज, इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज अपने तरीके से रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, उनका यूज करने लगे, तो यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगी. अगर एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण रिसोर्सेस में कमी आई, तो आप ये थ्री पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये राइट कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हैज बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस. If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continue, the future of our planet is in danger. तो meaning of this one, यहाँ पर बताया गया कि रिसोर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना हमारे फ्यूचर लाइफ और ग्लोबल पीस के लिए ज़रूरी है. सोचिए यदि ऐसा हो कि कुछ लोग या कोई कंट्री इसी तरीके से रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे, तो हमारे प्लैनेट में एक डेंजर की स्थिति जनरेट हो जाएगी. जैसे एग्जांपल पे कि जैसे जर्मनी एंड इंग्लैंड, अब यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर के, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड. यहाँ पर ये क्यों, इनकी जो वॉर हुई क्यों हुई, ये क्यों हुई? बिकॉज ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्सेस को ऑप्टेन करने के लिए ही ये वर्ल्ड वॉर हुए थे, अपनी पावर शो ऑफ करने के लिए. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट. इसी कारण से यहाँ पर देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग अब जरूरी हो गई है, जिससे हम फ्यूचर में रिसोर्स का अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज करें. That's why survival of all forms of life in future become possible. Okay, next point, sustainable development, जो ये ब्रैकेट में दिया हुआ है आप देख सकते हैं. तो sustainable development, sustain means जो बना रहे,
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग समझिए। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। मतलब कि डेवलपमेंट ऐसा हो जिससे एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, एनवायरनमेंट डैमेज ना हो और इसके इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना कर दिया जाए जिससे एनवायरनमेंट डैमेज हो जाए। तो डेवलपमेंट इस प्रकार से होना चाहिए ताकि नेचर को हानि भी ना हो और साथ ही साथ हमारा काम भी चलता रहे और फ्यूचर जनरेशन को बचा कर भी रख सकें, तो इसे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि रिसोर्स को हम एक्सप्लॉइट करना ना स्टार्ट कर दें और इसे संभाल कर रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट इन 1992। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है वन मार्क के लिए, क्या कि फर्स्ट अर्थ समिट कब और कहाँ हेल्ड हुई थी, मींस व्हेन एंड वेयर फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड। तो ये कहाँ हुई थी? फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड इन जून 1992 इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील। ओके, नाउ The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. देखिए, तो मीनिंग ऑफ दिस वन, जो यह अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में हुआ था तो ये क्यों हुआ था और इसका मेन एजेंडा क्या था? तो इसमें देखिए, इसका जो मेन एजेंडा था वो ये था कि कन्विंसिंग, ओके, एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। मतलब यह बताने के लिए कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर जो जो प्रॉब्लम्स थे और साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर सोसाइटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए। ओके, और जो ये लीडर्स आए हुए थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन पर साइन किया जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर था, और इसे रियो कन्वेंशन में और इस रियो कन्वेंशन में एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया जो 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो और अचीव करने के लिए था। एंड वन मोर क्वेश्चन हियर फॉर वन मार्क, व्हेन एंड वेयर एजेंडा 21st अडॉप्टेड, द सेम आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। एजेंडा 21 अडॉप्टेड इन जून 1992 इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील। ओके, नाउ एजेंडा 21, व्हाट वाज द एजेंडा 21? फॉर दिस एजेंडा 21, इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs, and shared responsibilities. One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local agenda 21. Meaning of this one, यह एक declaration था जिसे world leaders के द्वारा sign किया गया था। इसका aim था कि
कि ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना और एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज, इनके अगेंस्ट सब साथ मिलकर लड़ेंगे और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स और इन्फॉर्मेशंस शेयर करेंगे और इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। इसका एक और मेजर ऑब्जेक्टिव था कि प्रत्येक लोकल गवर्नमेंट अपना लोकल एजेंडा 21 तैयार करें। ओके, थैंक यू। आई होप टुडेज वीडियो इज़ इंटरेस्टिंग। हैव अ गुड डे।